तो हम बात करने वाले हैं 45x50 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। और ये मॉडल जो मैंने क्रिएट किया है, दो भाइयों के लिए क्रिएट किया है। जैसा कि आपको देख रहा होगा, यहाँ पर दो स्टेयर्स हैं, तो इसीलिए पूरा मकान दो भाइयों के लिए क्रिएट किया गया है। बहुत ही बेहतरीन सा मकान होने वाला है। आपका पोर्च की बात करें, बारंदे की बात करें, तो आपको ये घर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसका छाया जाए 45x50। 45 फीट इसकी चौड़ाई है, 50 फीट लंबाई है, और दो भाइयों के पूरा मॉडल मैंने क्रिएट कर रखा है। और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो हमें कमेंट कर रहे थे, सर मुझे ऐसा एक प्लान चाहिए जिसमें दो भाई रह सकें, भविष्य में कभी भी बंटवारा हो तो सेपरेट बनाया जा सके। तो इसी प्लान को आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप बने रहे स्टूडियो में लगातार। मैं हूं पवन झांकड़, और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, यदि आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं और नए नए डिज़ाइन मिलते रहते हैं जो आप देखकर बनवा सकते हैं। तो आज का जो प्लान है, आज मैं बताने वाला हूं आपको, जो 45x50 ये एक बेहतरीन सा प्लान है। देखिए, फ्रंट एलिवेशन आपका ये सामने से रोड होगा, और इसमें पोर्च भी है, साथ साथ बारांदा दोनों को डिज़ाइन किया है, साथ साथ बेहतरीन सा रेलिंग डिज़ाइन किया है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बेहतरीन सा एक ग्राउंड फ्लोर। इसमें पिलर वगैरह जो मैंने बनाए हैं वो बेहतरीन सा अंदर का डेकोरेशन दिया है। तो पिलर सबसे पहले बात करें, ये मेन है जो आपका बिल्कुल मिडिल में जहाँ चढ़ेंगे। इसका सबसे पहले दो पिलर आपको देखने को मिलते हैं, इसके बाद सबसे पीछे चार पिलर देखने को मिलते हैं। और ये पिलर का स्टाइल थोड़ा बेहतरीन सा दिया है मैंने, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे स्टाइलिश पिलर है। इसके बाद मेन डोर आपका ये है जहाँ से एंट्री करेंगे, और बारंदे से ही मैंने स्टेयर्स दिए, जो बारंदा है इसी से स्टेयर्स दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में इधर से चढ़ेंगे और राइट हैंड में भी इधर से ही चढ़ेंगे। इसका मेन डोर से जैसे आप एंट्री करते हैं, बारंदा आपको मिल जाता है बेहतरीन सा, और आप आ जाते हैं अंदर। तो अंदर आते ही आपको एक बड़ा सा हॉल टाइप का मिलता है। अब मैं पहले राइट हैंड को डिस्कस करूँगा। अगर इस बेडरूम से इधर इसे आधा डिवाइड करें तो देखिएगा, तीन बेडरूम इस साइड बने हैं, दो पीछे सबसे पहले बेडरूम बने हैं, इसके बाद ये आपका लेट एंड बाथ बना है, एक फ्रंट में आपका बेडरूम बना है, ये किचन बना है। देखिए, किचन और फ्रंट वाले बेडरूम में मैंने यहाँ पर विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। तो ये पूरा लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन आसानी से मैंने दिखाया है, जो कि थ्री बेडरूम और आपका लेट एंड बाथ किचन बना है। ऐसे राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड बिल्कुल सिमिलर है। देखिए, पीछे दो आपको बेडरूम देखने को मिल रहे होंगे, आगे एक बेडरूम, ये आपका लेन बात, ये किचन। किचन को आगे मैंने इसलिए रखा है, इससे प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होता है। ये बीच में आपका एक आंगन टाइप का है, जहाँ छत पर आप जाल रखवाएंगे तो आपको एक बेहतरीन सा वेंटिलेशन मिलता रहेगा। और देखिए, पूरा मॉडल आपका जो दिख पा रहा है आपको, तरफ चारों सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये बारंदे के बाद पोर्च और बेहतरीन सा मॉडल आपको देखने को मिल जाता है। तो ये देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इससे आप इसका रियलिस्टिक और देख सकें, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ सकें कैसा मकान डिज़ाइन हुआ है। तो ये 45x50 फीट में दो भाइयों के लिए घर का नक्शा है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये देखिए, इसका लास्ट फ्लोर है, जिस पर लगभग मैंने 4 फीट का बाउंड्री आसपास देख पा रहे होंगे। इसमें देखिएगा, थोड़ा सा डिज़ाइन मैंने अलग क्रिएट किया है। पहले थोड़ा सा छज्जा टाइप का निकाला है, उसमें ये याद देखिए छोटे छोटे झरोखे टाइप के देख पा रहे होंगे, ये बनाया है। इसके बाद फिर से एक दूसरा रेलिंग बनाया है। देखिए कि पहली और दूसरी रेलिंग के बीच में कुछ स्पेस आपको देखने को मिलता है। तो जो ये बड़ी सी रेलिंग है, इसको थोड़ा मैंने लगभग 1.5 से 2 फीट पीछे से बनाया है, और इसके बाद उसमें चारों तरफ ग्रिल, बीच में ग्रिल इस्तेमाल कर ली है, और आसपास झरोखे टाइप के बना दिए हैं। तो ये पूरा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है 45x50 में दो लोगों के लिए। मॉडल कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर कोई डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो ये मॉडल एक बेहतरीन सा मॉडल था। आप हमें हमारे चैनल से जुड़ जरूर जाएँ, रेड कलर का बटन आता है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं आपको लगातार ऐसे ही वीडियो डालता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।